हर हिंदुस्तानी अपने घर से निकले और जाके वोट दे। द राइट टू वोट इज ऑल्सो द राइट टू डिग्निटी। कोई भी नेता अगर उनकी नहीं सुनता है तो वो मुझे जरूरी नहीं। एवरी एलिजिबल वोटर मस्ट मेक एन एफर्ट टू वोट एंड दैट्स द ओनली रीजन आई एम हियर। अ वोट इक्वलाइजेस एंड यूनाइट्स ऑल ऑफ अस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इंडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वन अमंग द 1.2 बिलियन इंडियंस। अगर हमें बदलाव चाहिए तो हर एक इंसान को अपना वोट देना बहुत ही जरूरी है। Everyone's come out of their houses and voted for their favorite candidate for who they think is fit enough to run this country. बाहर निकल के वोट जरूरी है। लोकसभा चुनाव के छठे दौर का मतदान भी हो गया। आज की 117 सीटों को जोड़ दें तो अब तक कुल 349 सीटों के लिए मतदान हो चुका है, यानी देश के बड़े हिस्से ने, दो तिहाई हिस्से ने मतदान कर दिया है। अब तीन चरण और बाकी हैं। आखिर आज कैसा जोश और खरोश रहा मतदाताओं में जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आम चुनाव के छठे दौर का मतदान खत्म हो चुका है। वोटिंग के इस दौर में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों पर जनता ने अपना मत दे दिया है। इस दौर में भी मतदान 2009 के मुकाबले लगभग सभी जगहों पर ज्यादा रहा। मुंबई, जहां सुबह मतदान की रफ्तार बेहद धीमी थी, वहां मीडिया में खबर चलने का लगता है असर हुआ और पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ। मुंबई में 53.7% मतदान हुआ जबकि 2009 में यह आंकड़ा 43% था। सबसे ज्यादा 82% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, लेकिन यह पिछली मर्तबा से करीब 2% कम है। यूपी में 58.5%, बिहार में 60%, जबकि मध्य प्रदेश में 65% मतदान हुआ। इन सभी राज्यों में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है। सबसे कम वोटिंग जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर हुई, यहां सिर्फ 28% लोगों ने मतदान किया। वोटर टर्नआउट एज पर लास्ट फिगर्स अवेलेबल 55.33%, the corresponding turnout for 2009 Lok Sabha is 44.86%। छठा चरण 2014 लोकसभा चुनाव का दूसरा सबसे बड़ा चरण है। इसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के अलावा महाराष्ट्र की 19, यूपी की 12, मध्य प्रदेश की 10 और बिहार की 7 सीटों समेत कुल 117 सीटों पर वोट पड़े। मतदान के बाद जहां एनडीए मोदी सरकार बनने का दावा कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि देश में मोदी की लहर है ही नहीं। Well, Modi wave is the creation of the media. I don't think, I think the country as a whole is disrupted by any Modi wave. तुम्ही सगळेजण तुमच्या भवितव्याला, उज्ज्वल भवितव्याला मतदान करा। आम्ही एक महायुती म्हणून त्यांच्या समोर सक्षम पर्याय ठेवलेला आहे। नरेंद्र मोदींचा पर्याय हा मजबूत पर्याय आहे। लोकांना आता बदल हवा आहे आणि म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावरती लोक, जनता, मतदार हे रांगा लावून मतदान करतात। चुनौती का सामना समाजवादी पार्टी को जो करना पड़ रहा है यूपी के अंदर, वो शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है जी, बस हमें साइकिल का पता दबाने दो। गुरुवार की वोटिंग के साथ करीब 350 सीटों का चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन यूपी और बिहार की तकरीबन 60 सीटों समेत करीब 200 सीटों पर चुनाव अभी बाकी है। जीत के सपने हकीकत में बदलने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को अब अपनी पूरी ताकत उन इलाकों पर लगानी होगी। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ नीरज गुप्ता, इटावा, आईबीएन 7। जिन जिन राज्यों में मतदान खत्म हो गया है और अब तक 349 सीटों का चुनाव हो चुका है, साल 2009 में वहां क्या हाल था, हम ये आपको आगे बताएंगे। आखिर मिजाज क्या है? आज के दिन का चुनावी मूड क्या है, यह बात करने के लिए बनारस से संवाददाता शलभमणि त्रिपाठी और महाराष्ट्र और मुंबई का हाल जानेंगे हम अपने संवाददाता निशात शमसी से। पहला सवाल निशात मैं आपसे लूंगा, मुंबई वाले बड़ा हल्ला करते हैं और वोट कम करते हैं, क्या यही आज का हाईलाइट माना जाए? दिन भर में आपने सबसे बड़ी बात क्या देखी आज मुंबई और महाराष्ट्र के संदर्भ में?
बिल्कुल संजीव जी, अगर बात करें मुंबई की, तो आमतौर पर किसी भी मुद्दे पर बड़ा बढ़ चढ़ कर हमेशा से मुंबई बोलता रहा है, लेकिन आज जिस तरह से वोटर टर्नआउट हुआ शायद अनएक्सपेक्टेड था। तकरीबन शाम 4 बजे तक ये आंकड़ा 38% था, और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 बजे के बाद इस बात को लेकर खबरें दिखाई जाने लगी, तमाम लोग जो बड़ी शख्सियत हैं, फिल्मी हस्ती हैं, तमाम लोग बाहर आए और बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे कि लोग बाहर आए वोट करें, और शायद इसका असर भी दिखाई दिया। तकरीबन 10% ज्यादा मतदान इस बार हुआ है मुंबई में, लेकिन युवा जिन पर ज्यादा उम्मीद थी वो निकलकर बाहर नहीं आ पाए, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है मुंबई के लिए खासतौर से। और रही बात महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी औसतन मतदान हुआ है इस बार, ज्यादा मतदान नहीं हो पाया, जो आंकड़ा है वो पिछले 2009 चुनाव से बहुत मेलजोल खाते हैं। संजय जी बिल्कुल, आइए अब चलते हैं शलभ, आज दिन भर हमने बनारस का खूब आंखों देखा हाल लोगों को बताया है, आज का दिन खत्म करने के पहले एक अगर कोई पॉलिटिकल बात, एक हाईलाइट आप सामने रखना चाहेंगे तो वो क्या बात होगी? संजय जी, एक लाइन में कहूं तो नरेंद्र मोदी ने अपने जो सियासी विरोधी हैं उनको आज पटखनी दे दी है नामांकन को लेकर। जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि नामांकन कैसा होगा, कितनी भीड़ जुटेगी, किस तरह के लोग आएंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि आज का दिन नरेंद्र मोदी के नाम रहा है। बनारस में बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुटे, एक जन सैलाब उतरा वाराणसी में, और इस पूरी भीड़ को कैसे विजय जुलूस में बदलेंगे नरेंद्र मोदी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की जो बाजी है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में रही है। बनारस के जो लोग थे उन्होंने भी पूर्ण साथ दिया है, और जो आसपास के जिले से लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, वो भी उनको देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन नरेंद्र मोदी ने किया है, अब उनके जो विरोधी हैं, जो उनके सियासी विरोधी हैं, उनके जो पॉलिटिकल जो विरोधी हैं, उनके जो माथे की लकीरें हैं, चिंता की लकीरें हैं, वो और ज्यादा बढ़ गई होंगी। बिल्कुल निशात और शलभ, आपका शुक्रिया। मुंबई और बनारस की बात हो रही है तो एक शेर याद आता है, न जाने क्या कशिश है मुंबई तुम्हारी शबिस्ता में, कि हम शामय अवध और सुबह बनारस छोड़ आए हैं। तो ये हाल था मुंबई और बनारस का। आइए अब संवाददाताओं से हाल जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि जहां 2009 में जो चुनाव का हाल था, जहां 349 सीटों पर अभी वोट हुए हैं, वहां पर उस वक्त कैसी तस्वीर थी, हमारी सहयोगी नवज्योत के पास चलते हैं। तो 543 में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, और कौन कौन से राज्य कवर हुए हैं अभी तक वो हम आपको दिखाते हैं। हरा रंग वो जहां पर राज्य कवर हो चुका है, लाल रंग जहां पर वोटिंग होनी है, और येलो कलर वो है जहां पर अभी आधी जगह मतदान हुआ है। दक्षिण कवर हो चुका है, आंध्र प्रदेश बाकी है, पूर्वोत्तर पूरा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, वहीं अगर उड़ीसा की बात करें ऑलमोस्ट कवर है, झारखंड सब जगह वोटिंग हो चुकी है, बिहार में कुछ जगह अभी भी बाकी है, अगले 3 चरण बाकी है जिसमें वोटिंग होगी, छत्तीसगढ़ पूरा कवर हो चुका है यानी वोटिंग वहां पर हो चुकी है, पश्चिम की तरफ चले तो मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश कवर हो चुका है, महाराष्ट्र ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, और उत्तर में दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है, हरियाणा पूरी तरह से कवर हो गया है, राजस्थान कवर हो गया है, वहीं उत्तर प्रदेश के 2/3 सीटों पर चुनाव अभी हुआ है, और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 3/4 सीटों पर अभी मतदान हुआ है। आंध्र प्रदेश क्योंकि लाल रंग दिख रहा है इसलिए अभी यहां पर वोटिंग होनी बाकी है। तो ये पिक्चर है पूरे इंडिया की। हम किसको कितनी सीटें मिली थी 2009 में उसकी बात करते हैं, यानी 349 सीट्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इनमें से 131 सीटें मिली थी, कांग्रेस एलाइस को 18 सीटें मिली थी, भगवा रंग 85 पर छाया था, भगवा के साथ जितने एलाइस है यानी बीजेपी एलाइस 14, लेफ्ट के पास 13 गई थी, समाजवादी पार्टी के पास 10 सीटें आई थी, बीएसपी के पास 8, और अदर्स की भूमिका काफी अहम थी 70 के साथ। अब देखना ये होगा कि 131 और 85 क्या ये रद्दोबदल होती है या नहीं, क्या ये आंकड़ा उल्टा होता है या नहीं, क्योंकि नमो लहर पर अभी फिलहाल सवार हैं बहुत सी पार्टियां और बहुत से लोग, बहरहाल लेफ्ट एसपी और बीएसपी, और यहां पर भी अदर्स की भूमिका बहुत अहम रहेगी। वोट प्रतिशत की हम बात करते हैं, कांग्रेस को 33.75% वोट मिले थे, यहां पर ये याद रहे कि 349 सीट की हम बात करें, 349 सीटों की बात करें, एलाइस को 3.31% वोट मिले थे, बीजेपी को 16.93 और बीजेपी एलाइस को 6.60% वोट बीजेपी को मिले थे, लेफ्ट को 7.81 और समाजवादी पार्टी को 1.33, बीएसपी की बात करें 3.01 और यहां पर भी अदर्स की भूमिका अहम है 27.23। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 33.75% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 16.93, और यहां पर उलटफेर करने की जरूरत होगी। क्या वो उलटफेर होगा या नहीं, नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये हाल था 349 सीटों का। बैक टू